जगह नहीं बोले वो ग्रुप में आ जाए। और आखिर में हमने सोशल मैपिंग ऑफ एजुकेशन किया, जैसे मैं बोला कि हमने विलेज इस तरह से लिए हैं कि वो एक साथ 15 विलेज में क्या स्कूली परिस्थिति है ये हम आपके सामने लाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिहटा और फतुहा में कुल मिला के हमें 4205 घर ऐसे मिले थे जहां पे 6 से 18 साल के बच्चे हैं। उनमें से 134 घर ऐसे हैं जिनमें बच्चे स्कूल जा तो चुके थे, स्कूल में दाखिला ली थी पर वो ड्रॉप आउट कर गए। और कुछ घर ऐसे थे जिनमें बच्चे कभी स्कूल गए ही नहीं। तो इन दोनों ग्रुप को मिला के हमने टोटल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन देखा, टोटल हाउसहोल्ड जिसमें बच्चे स्कूली शिक्षा से बाहर है, और उसका शेयर हम देखते हैं तो ये दो ब्लॉक में 4% से ज्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। ये संख्या काफी कम है। जो सर बताए नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा हमने जब देखा ऑल इंडिया का, बिहार का, उस मुकाबले ये कम है। तो ये क्यों कम है? इसके कोई कुछ कारण ये हो सकते हैं कि हमें काफी घरों में ताला मिला है, और काफी घर में से ये मिला है कि वो लोग टेम्पररीली माइग्रेट करते हैं। इस समय वो उस गांव पे है तो हमें उनकी बातचीत करने का मौका मिला। तो जिन घरों में ताला है उनमें से ऐसे काफी घर हैं जो कि परमानेंटली माइग्रेट कर चुके हैं या उस समय पे वो लोग ईंट भट्टे में या कहीं पे काम करते रहे थे। और जो ऐसे फैमिलीज हैं जो या तो लगातार बाहर रहते हैं या काम के सिलसिले में आना जाना करते हैं पूरा परिवार लेके, तो इन घरों के बच्चे जनरली स्कूली शिक्षा से बाहर है। तो शायद हमें स्कूल शेड्यूल मिलेंगे तो शायद पता चलेगा कि जो घर में हम बातचीत नहीं कर पाए हैं वहां पे मेजर स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ स्कूल। ये घर की हम रिलीजन और कास्ट प्रोफाइल देख लें तो हमें मेजरली हिंदू ही मिले थे, बाकी आउटलायर्स के तरह से दूसरे धर्म के लोग मिले थे। और कास्ट वाइज आप जानते हैं झारखंड हो जाने के बाद बिहार में वैसे ही शेड्यूल ट्राइब बहुत कम है, तो मेजरली हमें मिले थे ओबीसी, एससी, फिर जनरल। ये हम इसलिए पेश करते हैं ताकि आगे की फाइंडिंग्स जानने के लिए आपका ये हेल्पफुल होगा। जितनी ये तो गए इतने घर जिनमें बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, इतने घर में कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल है ये टेबल वही दिखा रहा है। और इस पे भी हम अगर शेयर देखें तो पटना में ये दो ब्लॉक में 6.5% बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, और उसमें भी लड़के के शेयर ज्यादा है। ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। और हम जब खुद फील्ड में गए थे, जब लोगों से बात की थी, तब ये साफ साफ तय था कि ज्यादातर लड़कियां आउट ऑफ स्कूल है, पर वो डेटा में हमारे डेटा में आया नहीं। तो इसके भी कुछ कारण हो सकते हैं। एक हमने देखा कि चाइल्ड मैरिज यहाँ पे भारी संख्या में है, और तो फिर ज्यादातर ऐसे लड़कियां जो 18 साल के नीचे है पर वो शादी करके दूसरे गांव में चले गए हैं, तो इसलिए उनका हमें एस्टिमेशन नहीं मिला। उस घर में ऐसे बहू हैं जिनकी उम्र 18 साल के नीचे है और वो स्कूल नहीं जा रही है क्योंकि वो दूसरे गांव से शादी करके इधर आ गए हैं, पर उनका गिनती ये लोग 6 से 18 साल के बच्चों में नहीं कर रहे हैं, तभी उनका इंफॉर्मेशन भी हमें नहीं दिया। और कुछ बच्चियां जो शादी जिनका तय है या 1-2 साल में शादी देंगे और पढ़ाई छोड़ के घर में जस्ट बैठे हैं, कॉन्शियसली उनका उम्र 18 साल से कम होने के बावजूद भी शायद वो लोग पेरेंट्स नहीं बोले। तो ऐसा कुछ कारण हो सकता है जिसके लिए हमें ये रियलिटी मिलने के बावजूद भी कि गांव में लड़कियां ज्यादातर स्कूल नहीं जा रही हैं, हमारे डेटा में ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। पर हम क्वालिटेटिव डेटा की तरफ देखें तो कुछ फील्ड रियलिटीज मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ। बिहटा ब्लॉक में मोहम्मदपुर मुशहरी गांव में जब मैं सर्वे करने गई थी, मैंने एक बच्ची को जस्ट सिंपली पूछा, बच्चे अब स्कूल जाते हो? उसने मेरी तरफ देखा कुछ देर और रोने लग गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था जब वो, और
रहते उसके। जब सांस ले पाई तब उसने यही बोला कि भाई स्कूल जाता है पर मुझे मम्मी के काम में हाथ बटाना पड़ता है। तब मुझे पता चला कि मैं उसके कौन से घाव को खरोच चुकी हूँ। स्कूल जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं ये कितना हेल्पलेस परिस्थिति में है, ये मुझे ये एक छोटा सा फील्ड रियलिटी मैं आपके सामने लाई। रुकनपुर विलेज फतुहा ब्लॉक में जब हम क्वेश्चनेयर भर रहे थे तो एक पेरेंट ने मदर ने जवाब दिया, बेटी को तो शादी ही कराना है, स्कूल जाके क्या करेगी। तो हमें अवेयरनेस की कितनी जरूरत है। अभी भी लोग बेटी की शिक्षा लेके उतना महत्व नहीं दे रहे हैं और शायद इसका भी जवाब हमें ढूंढ के उस परिवार को देना होगा कि स्कूल जाके क्या होगा। मैं जब FGD कर रही थी कुछ लड़कियों के साथ जो स्कूल जा रही हैं, पर उन लोगों से ये पता चला, वो लोग ये बताए कि हमारी बहुत सहेलियां ऐसी हैं जो पढ़ाई में काफी अच्छी थी पर पढ़ाई रोक के शादी करा दी गई। उनके बहनों को पढ़ने का शौक कहाँ से आएंगे बोलिए। मेरे पास कोई जवाब नहीं था पर हमें जवाब देना है। कास्ट प्रोफाइल देखें उन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का, तो वही मेरे लिए आप लोगों को ज़्यादा सरप्राइज करने का कोई एलिमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ भी हमें मिला कि जनरल कास्ट के मुकाबले SC, ST और OBC का शेयर इन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ज़्यादा है। और फतुहा में ही हमें कुछ ST मिले थे पर वो कुछ ST में से भी बहुत हाई प्रोपोर्शन बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं। लॉरेंस समर जब वो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट थे तब उन्होंने बोला था कि डेवलपिंग कंट्रीज में शायद लड़कियों के पढ़ाई पे इन्वेस्ट करने का ही रिटर्न सबसे ज्यादा है। बात बहुत सही है पर इन्वेस्टमेंट कौन करेंगे, गवर्नमेंट या परिवार? तो ये देखने के लिए हम जो 609 बच्चे आउट ऑफ स्कूल आए हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड ऑफ देयर पेरेंट्स ये हमने देखा, ये ढूंढने के लिए कि सच में मे बी इन्वेस्टमेंट इन गर्ल्स एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग वर्ल्ड। बट करेगा कौन, क्या इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है? जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनके परिवार में क्या इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है? जो लैंडलेस है या मार्जिनल लैंड होल्डर है या स्मॉल बिग लैंड होल्डर्स है, तो ये साफ है कि ज्यादातर बच्चे ऐसे घरों में से आ रहे हैं जो कि या तो लैंडलेस है, कोई जमीन नहीं है उनके पास, या मार्जिनल लैंड होल्डर्स हैं। इनकम के साथ भी कोरिलेशन देखें, मदर्स इनकम फादर्स इनकम अलग से लेके भी हमने देखा कि सबसे कम इनकम वाले परिवार में से ही ये बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं। मदर्स इनकम में वो लास्ट वाला पिलर देख के हैरान मत होइए, वो है नो इनकम, यानी जो मदर्स कोई काम नहीं कर रहे हैं। और ये माता पिता का इनकम अगर जोड़ भी ले तो भी ये साल में 1.5-2 लाख से ज़्यादा नहीं है ऐसे परिवार के बच्चे। और FGD में ये बहुत साफ आ रहा था, उन लोगों का सवाल बहुत साफ था कि पहले पेट या पहले पाक। और सच में मैंने इन बच्चों की जो स्कूल नहीं जा रहे हैं इनकी जो परिस्थिति देखी उनमें सच में उन लोगों के लिए एजुकेशन लग्जरी गुड से कम नहीं था। पेरेंट्स एजुकेशन के साथ भी आउट ऑफ स्कूल का रिलेशन देखे तो ज्यादातर माता पिता इलिटरेट कैटेगरीज में से है। और ये जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है ये इंटर रिलेटेड है, ये लोग अनपढ़ हैं तो इन लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट में ऑक्यूपेशन भी देखेंगे तो दे आर बेसिकली कैजुअल लेबर्स एग्रीकल्चर में या नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये इन लोगों को पढ़ाई का मौका नहीं मिला था तो एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बना, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बना तो इनकम नहीं बना, जमीन इन लोगों के पास है नहीं। तो ये जो एक विशियस सर्कल में ये परिवार डूब चुके हैं इसको तोड़ने का एकमात्र रास्ता है वो है इनके बच्चों को एडुकेट करना।
क्योंकि ये बच्चे अगर एडुकेट होंगे तो इनके नेक्स्ट जनरेशन में इन लोगों के पास एजुकेशन होगा, एम्प्लॉयबिलिटी होगा, इनकम होगा, तो फिर लैंड ना रहते हुए भी इनके बच्चे आउट ऑफ स्कूल नहीं होंगे। हमने देखा कि बहुत कम बच्चे थे ऐसे जो कभी स्कूल नहीं गए, इसलिए उनका जो कारण हमने लिया, हमने टॉप थ्री कारण यहाँ पे पेश किया और वो लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग से पेश कर रहे हैं। तो लड़कों के लिए साफ साफ ये आ रहा था कि एडुकेशन का खर्चा ना उठा पाना, और ये हमारे लिए आश्चर्यजनक नहीं है। हमने उन लोग का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो देखा उसमें ये साफ है कि लड़कों को एडुकेशन तो देना चाहते हैं पर वो खर्चा नहीं उठा पाए, इसलिए कभी स्कूल में दाखिला नहीं कराया। या कुछ बच्चे जो फैमिली का इनकम सफिशियंट नहीं है तो वो इनकम जोड़ने के लिए उन लोगों को बहुत कम उम्र में ही काम में लग जाना हुआ, तभी वो कभी स्कूल जा ही नहीं पाए। और कुछ कुछ बच्चों में लड़कों के लिए ये आया है कि नज़दीक में स्कूल नहीं था तभी वो स्कूल में कभी दाखिला लिया नहीं। तो ये सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट है, शायद हम उनके घर तक स्कूल पहुंचा पाएंगे, अफोर्डेबल स्कूल पहुंचा पाएंगे, तो ये कुछ कारणों को हम एड्रेस कर पाएंगे। लड़कियों के लिए मेजरली था घर में काम करना, और वही वैसे उत्तर आ रहे थे कि शादी तो कराना है पर ये क्या कर लेगी, और खर्चे की भी बात आई, जबकि फ्री एडुकेशन, फ्री कंपलसरी एडुकेशन इन बच्चों का हक होते हुए भी हमने देखा कि एडुकेशन सिस्टम प्राइवेट कोचिंग के स्टेपनी पर चल रही है, तो ये फ्री एंड कंपलसरी होके भी इन लोगों के लिए फ्री नहीं है और प्रॉपरली एडुकेशन लेने के लिए काफ़ी खर्चा उठाना पड़ता है, और इस खर्चे के कारण से बहुत बच्चे स्कूल में कभी दाखिला नहीं लिए। ड्रॉप आउट जो बच्चे कर गए हैं उनका पहला 10 रीज़न हमने निकाला, मतलब रीजंस कितने जने ने ये कारण दिखाए हैं, उनमें रैंकिंग करके जो पहला 10 कारण आए हैं वो यहाँ पे पेश कर रहे हैं। और लाल से हमने इंडिकेट किया वो कारण जो स्कूली सप्लाई साइड रीजन हम बोल सकते हैं स्कूल के कारण, और ब्लैक में जो है वो है इनके परिवार की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस उसके कारण। तो यहाँ भी बॉयज के लिए कारण आया है वही फैमिली के लिए इनकम करना, घर में काम करना, मेबी दे आर फैमिली बिजनेस या मार्जिनल वर्कर्स जो उसी फार्म में काम कर रहे हैं, खर्चा ना उठा पाना, भाई बहनों को देखना, पेरेंट्स का डेथ हो जाना और माइग्रेशन ऑफ पेरेंट्स। और यहाँ से ही हमें लग रहा है कि अगर ये प्रोमिनेंट कारण आया है तो हमें देखना पड़ेगा कि जो घर में हमें अभी कोई नहीं मिला क्या माइग्रेशन एक बड़ा कारण है। तो ये हमें स्कूल शेड्यूल जब भर के आ जाएंगे तब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन और भी साफ होगा कि कितने बच्चे पेरेंट्स परमानेंटली या टेम्पररीली माइग्रेट कर रहे हैं इसलिए इनका पढ़ाई छूट जा रहा है। स्कूल के कारणों में बताया कि या तो टीचर है नहीं या है तो अच्छे से पढ़ाए नहीं रहे हैं, और ये स्टेपनी प्राइवेट ट्यूशन लेने की इन लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है तो ये लोग फेल कर रहे हैं। और कभी कभी डिस्टेंस टू स्कूल, मतलब एक लेवल पढ़ने के बाद 5 तक पढ़ लिए फिर अपर प्राइमरी स्कूल की अवेलेबिलिटी नहीं है, ये भी कारण हो रहा है, या फिर अपर प्राइमरी तक पढ़ लिए सेकेंडरी स्कूल की अवेलेबिलिटी नहीं है। हमने इसके बाद देखा कि जो बच्चे ड्रॉप आउट कर गए हैं वो कौन से क्लास में लास्ट पढ़ के उसके बाद ड्रॉप आउट कर गए हैं, तो ये बहुत रिवीलिंग फैक्टर आया है। NSSO डेटा बताता है कि इंडिया में 8 के बाद ड्रॉप आउट मैक्सिमम है। हम जब और माइक्रो लेवल में ये दो ब्लॉक के पिक्चर देखे तो हमारे लिए ये ग्राफ पिक कर रहा था क्लास 5 के बाद, क्लास 5 के बाद मैक्सिमम ड्रॉप आउट हो रहा था बिहटा और फतुहा ब्लॉक में। हमने जो सोशल मैपिंग किया उससे इसकी आंसर बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा था। है वो 15 विलेज, और हमने यहाँ पे दिखाया कि कौन से विलेज में
किस टाइप का स्कूल मौजूद है। जो लाल है सिंगल फ्लोरी फ्लोरेड बिल्डिंग वो है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। पीला हर एक पीला ब्लैक बॉर्डर से वो है प्राइवेट। जो सेकंड फ्लोरेड बिल्डिंग है दूसरे मंजिल वाला ब्लू कलर से वो है अपर प्राइमरी स्कूल। और जो ग्रीन बिल्डिंग है तीन मंजिल का वो है सेकेंडरी स्कूल। और हमने फिर भी साफ दिखाने के लिए उन विलेजों को ग्रीन कलर कर दिया जिसमें सेकेंडरी स्कूल की अवेलेबिलिटी है। तो ये क्लस्टर मैपिंग से जो ये एरिया 6 से 8 किलोमीटर के अंदर है और इसके साउथ में है रेल लाइन, हमें पता चला कि केवल 2 विलेज बेला और लक्ष्मणपुर में सेकेंडरी स्कूल है वो भी प्राइवेट। तो फिर ये 15 विलेज के बच्चे सेकेंडरी स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन लेने के लिए कहाँ जाएंगे। अभी बात चल रही है कि सेकेंडरी एजुकेशन तक आरटी राइट टू एजुकेशन बनाने का, और डिबेट्स में ये आता जा रहा है कि स्किल्ड लेबर बनने के लिए सेकेंडरी एजुकेशन इज द मिनिमम लेवल। तो ये बच्चों का क्या भविष्य है, क्या एम्प्लॉयबिलिटी बनेगी जिनके गांव, हर एक गांव में प्राइमरी स्कूल तो हमें मिला पर अपर प्राइमरी ही सब गांव में नहीं मिला, जो एक बड़ा कारण है प्राइमरी लेवल के बाद ड्रॉप आउट होने का। और ये 15 गांव में के बच्चे या तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए पैसा खर्चा करेंगे प्राइवेट स्कूल में आएंगे, नहीं तो रेल लाइन क्रॉस करके दूसरे गांव में सेकेंडरी एजुकेशन लेने जाएंगे। सिमिलर सिचुएशन है फतुहा में, और फतुहा में नॉर्थ में है पुनपुन रिवर। तो ये रिवर के किनारे जो सारे विलेज है जिसमें हमें यहाँ तो और भी ब्लू भी मतलब अपर प्राइमरी स्कूल भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, केवल मात्र 1 ग्राम तुमारी में सेकेंडरी स्कूल है, बाकी सारे गांव में क्लास 5 के बाद कोई स्कूल ही नहीं है। तो ड्रॉप आउट ऑब्वियस है, ये लोग नदी पार करके तो दूसरे जगह अपर प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल लेने नहीं जाएंगे। तो फिर ये लास्ट स्लाइड है कंक्लूजन, हमें 2 चीज बहुत साफ मिले बिहटा और फतुहा ब्लॉक में से। एक, गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है इन बच्चों का अभी भी स्कूली शिक्षा से बाहर रहने का। तो हम अगर देख ले कि गर्ल्स एजुकेशन इज द इन्वेस्टमेंट विथ हाईएस्ट रिटर्न, तो इसके लिए गवर्नमेंट को आगे आना ही होगा। और ऐसा नहीं है कि केवल गरीबी कारण है, सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट भी है, स्कूल है नहीं और स्कूल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी सर ने पेश किया डाइस डेटा से। हमारे पास स्कूल शेड्यूल आ जाएंगे तो और साफ आ जाएगी पिक्चर इधर जो स्कूल है क्या आरटीई कंप्लायंस है उनमें से। तो फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट एक बड़ा रीजन है, ये देखते हुए हम सजेस्ट कर सकते हैं कि स्टाइपेंड या सम सॉर्ट ऑफ फिनेंशियल इंटरवेंशन ये इन बच्चों को स्कूल में ला सकते हैं वापस। और अगर हम बहुत दूर ना भी देखें बांग्लादेश पाकिस्तान में फाइनेंशियल सपोर्ट के बाद बहुत स्टूडेंट फिर से स्कूल आ गए हैं, पर्टिकुलरली लड़कियां, स्टडीज भी हमने देखा। बिहार में बाइसाइकिल योजना के बाद काफ़ी एनरोलमेंट और रिटेंशन रेट बढ़ा था, ये हम सबको पता है। तो मैंने जब इधर डेटा देखा बच्चियां जब ट्राईसाइकिल की उम्र में ही ड्रॉप आउट कर ले रहे हैं, तो कैसे उन्हें बाइसाइकिल योजना तक उस मिनिमम क्लास तक लाया जाए ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। और चाइल्ड मैरिज ये दो ब्लॉक में हमें बहुत बहुत सारे केसेस मिले, तो उसके लिए मास अवेयरनेस की अभी भी ज़रूरत है। और केवल मास अवेयरनेस नहीं, ये जो सवाल है शादी ही तो कराना है, क्या कर लेगी पढ़ाई करके, ये इसके लिए कुछ रोल मॉडल्स इनके सामने लाना जो लोग सच में पढ़ाई करके अपनी ज़िंदगी बेहतर बना रहे हैं, ऐसे लड़कियों को रोल मॉडल करके अवेयरनेस बढ़ाया जा सकता है।
और पढ़ाई के साथ साथ सम सॉर्ट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एम्प्लॉयबिलिटी ये कनेक्ट करके ताकि आप शादी कराइए, बेशक शादी कराइए पर 18 के बाद और अपने पैरों पे खड़े हो जाने के बाद ये मैसेज शायद उन लोगों के पास पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और ये केवल लड़कियों के लिए नहीं लड़कों के लिए भी लागू होता है क्योंकि एक बड़ा संख्यक बच्चे जो स्कूली शिक्षा से बाहर रह जाते हैं वो चाइल्ड लेबर बन जाते हैं, तो हमें चाइल्ड लेबर को भी एड्रेस करना होगा। तो क्वालिटी एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी इसके साथ जोड़ना आवश्यक है। थैंक यू।